धनबाद के ट्रेंक्शन कॉलोनी में चला रेलवे का बुलडोजर, दर्जनों झुग्गी झोपड़ी तोड़े गए। रेल प्रशासन के खिलाफ लोगों ने की जमकर नारेबाजी। धनबाद में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों के आशियाने को आज रेल प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करते हुए हटाया गया। जेसीबी के जरिए लोगों के आशियाने को तोड़कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने जगह को खाली करने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन रेलवे ने 10 दिन पहले ही लोगों को नोटिस थमा कर आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। रेलवे के द्वारा एक महीने का समय नहीं दिए जाने के कारण रेल प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। रेलवे से लोगों ने मुआवजा देने की मांग की है। बता दें, पांडरपाला रोड ट्रैक्शन कॉलोनी में अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे लोग रह रहे थे। रेल प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीन से अतिक्रमण के तहत कार्यवाही की गई। यहां बसे सैकड़ों लोगों के आशियाने को तोड़ा गया। रेलवे की इस कार्यवाही से लोगों में नाराजगी दिखी। लोग रेलवे के प्रति आक्रोशित नजर आए। प्रभावित लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले ही रेलवे के द्वारा नोटिस दे दिया गया, 2 दिन पहले ही जमीन को खाली कराने को लेकर अनाउंसमेंट की गई थी। लोगों ने बताया कि रेलवे से एक महीने का समय मांगा गया था, लेकिन रेलवे ने हमें समय नहीं दिया। कोरोना काल में हम आखिर कहां जाएंगे। लोगों द्वारा रेलवे से मुआवजा देने की मांग की गई है। अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने बताया, रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूरे देश में यह कार्यवाही की जा रही है। जहां कहीं भी रेलवे की जमीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वैसे जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया जा रहा है। बताएंगे आज अतिक्रमण करवाया जा रहा है, कितने घर को तोड़ा गया, क्या कुछ आज यहां कम से कम 300 घर को तोड़ा जा रहा है। यहां पर ये लोग 125 साल से हैं और इस ठंड में इतने बच्चे जानवर लेके कहाँ जाएंगे। ये सरासर अन्याय हो रही है और इन लोगों ने टाइम भी मांगा कि एक महीने का दिया जाए, 2 महीने का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, गरीब का कोई सुनवाई नहीं इस सरकार में। और मैं इनको सभी को इस तकलीफ का बहुत दुख है और ये जो आज 125 साल से रह रहे हैं, इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जानवर, इतना लोग, इतने बच्चे इस ठंड में, इस इतनी आफत विपत कोरोना के समय में किस जगह पे जाएंगे। इस पे ध्यान दे सरकार, इन लोगों को कहीं रहने का इंतजाम दे। रेल द्वारा अतिक्रमण करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग 125 बरस से यहाँ रह सक रहे हैं सर। रेल आके तोड़ताड़ कर रहा, कम से कम रेल को हम लोग को मकान का मुआवजा देना चाहिए था। तोड़ने के लिए पहले से नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को? नोटिस दिया गया था अभी से 10 दिन पहले या 2 दिन पहले आया, अनाउंस करके गया। आ रहा कमाने खाने वाला कहाँ से जुगाड़ करता? हम लोग तो एक महीना का मोहलत मांगे थे, एक महीना का मोहलत दीजिए, हम लोग अपने आप खाली करके चल जाएंगे। या रेल सरकार हम लोग को झोपड़ी भी कहीं बना के दे दिया, दे दे। एक महीने का टाइम आप लोगों ने मांगा था खाली करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास है, ठंडा में कहाँ सुने, दिक्कत है, खाना पीना हर चीज का दिक्कत है, ठंडा का दिन है, छोटा छोटा बच्चा है, हर तरह का हम लोग को दिक्कत अभी है। एक महीने का टाइम हम लोग तो मांगे थे और हम लोग यहाँ जगह जमीन लिए नहीं। हम लोग का 2-4 महीना समय दिया जाए सर, हम अपने से खाली कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आए और लंच करके कल चले गए और आज तोड़ दिए। कितने घरों को तोड़ा गया और कितने वर्षों से आप लोग रह रहे थे? सर 50 वर्ष तो बोल रहे सर, 50 वर्षों से रह रहे थे। कितने घर हो गए इनको? सर 50 साल घर हो गए सर। 50 घर। नाम क्या आपका? मेरा नाम जुगेश्वर यादव हुआ सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेल प्रशासन से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर, हम तो यही टाइम उनसे मांगेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग का एक महीना टाइम दिया जाए सर, और बात अपने से हम खाली कर देंगे। वो अपना काम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें बाधा डालना नहीं चाहते हैं, मगर एक महीना का समय उनसे मांगते हैं। नाम बता दीजिए। जुगेश्वर यादव सर। क्या आप 10 से 20 हजार रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर।